रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। काली रात की चादर ओढ़े एक धुन्ना सा साहब हाथ में हथौड़ा लिए अनुपमा के दरवाजे की ओर बढ़ा। कदमों में निश्चय, आंखों में आग और सीने में दफन बस एक ही मकसद, बदला। हथौड़े के बस एक ही वार के सामने सहमे हुए दरवाजे ने भी घुटने टेक दिए और गुमनाम काते अनुपमा के घर में घुसा। खतरा और भी करीब और बढ़ता गया। अनुपमा के कमरे थे जहां वो आने वाले मौत से अनजान राहुल के सपनों में कोई चैन की नींद सो रही। लेकिन मौत का सामान वो हथौड़ा नहीं, वो गुलाबी दुपट्टा था, वो आंचल जिसे कभी राहुल ने थामकर अनुपमा को अपनी बाहों की आगोश में घेरा था। आज यही आंचल अनुपमा को मौत की आगोश में ले जाने वाला था। अनुपमा की आंख खुली तो सिर्फ बंद होने की, क्योंकि फंदा अब गले में था, सांसें हलक में, जान मौत की दहलीज पर, जिंदगी उसका दामन छोड़ रही हमेशा के लिए। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मनपसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई। उसकी आंखों पर उसके वही दो लकी सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे। और फिर कमरे में बजा साइड टेबल पर रखे पुराने ग्रामोफोन से अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से काले पेंट से कातिल ने अपनी आखिरी सलामी लिखी दीवार। तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी, मेरी रहोगी। क्या दिल हो तुमने तो मुझे डरा दिया। इतने बड़े मिस्ट्री राइटर जिनकी भयानक किताबें पढ़कर लाखों लोग डर के मारे सो नहीं पाते, उसकी बीवी ने उसे डरा दिया। अगर आपके फैंस ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे मिस्टर निखिल मिश्रा? मेरे फैंस अगर ये बात सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये काफी समझदार और सुलझा हुआ राइटर है, अपनी बीवी से डरता है, सुखी रहेगा। अच्छा तुमने जो आइडिया दिया था उस पर मैं अपनी नई नॉवल के लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ। माइनर चेंजेस हैं, लेकिन थैंक्स टू यू काफी फर्क पड़ा। सुनो ना बाबा ना, इतनी रात को एक खून खराबे किस्से कहानी मुझे नहीं सुनना है, तुम और तुम्हारे मर्डर मिस्ट्रीज। कभी तो आदर्श बीवी की तरह बिहेव किया करो। तुम्हारे संकीपन को झेलती हूँ, क्या ये कम आदर्शवाद है? रात के 2 बजे अब तक तो उल्लू भी सो गए होंगे। एक उल्लू है जो अभी तक जगा हुआ है। रमन सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट कम? गुड तो मेरे लिए तब होगा निखिल, जब तुम अपनी ये पहली सीक्रेट नई किताब कंप्लीट कर दोगे। अच्छा कहाँ तक आई तुम्हारी ये गाड़ी? आखिरी चैप्टर लिख रहा हूँ, आज फ्राइडे है, मंडे को पूरा का पूरा नॉवल आपके पब्लिशिंग हाउस भेज दूंगा। ये बात पिछले 8 फ्राइडे से तुम मुझसे कहते आ रहे हो निखिल, पता नहीं कब आएगा तुम्हारा ये मंडे। तुम्हारे फैंस की जो ये लंबी लाइन लगी है ना, उसमें सबसे आगे हम ही तो खड़े हैं, जो पूरी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी अगली सुपरहिट नॉवेल का। नहीं सर, आप मेरे फैन नहीं, आप मेरे मेंटर, मेरे अन्नदाता।
अगर आप नहीं छापेंगे तो मेरे लिखने का क्या फायदा? मंडे आई प्रॉमिस। कहानी कैसे जा रही है आगे? यूं समझ लीजिए कि जान ले लेगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड नाइट। वेल थैंक्स। धवन साहब उठा ही सही, कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कीजिए भाई। राइटर हम भी बुरे नहीं है, जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं। और क्या। अरे सर पिछली बार मेरी और उसकी बुक के सेल्स में सिर्फ 1000 कॉपीज का फर्क। हाँ हाँ बिल्कुल। हम भी कुछ कम हिट राइटर नहीं है सर। वो बात नहीं है त्रिपाठी, बट जस्ट कोट काली है और भी दुनिया में लेखक बहुत अच्छे। निखिल मिश्रा का है अंदाज़े बयां है कुछ यस यस। डोंट बिलीव दिस मिसेस बिलिमोरिया, बाहर का मेन डोर आपने ठीक नहीं कराया अभी तक। रिलैक्स मिसेस बिलिमोरिया, क्या पढ़ रही हैं आप? मर्डर ही रोट बाय निखिल मिश्रा। इस नॉवेल में आप इतनी खो गई हैं, इतना ध्यान आप मेरे केसेस में देती तो क्या बात होती। एनी मैसेजेस? नो केडी। केडी ये बेस्ट सेलर राइटर है और ये इसकी लेटेस्ट बुक है मर्डर ही रोट इंग्लिश ट्रांसलेशन। हर सेकंड पेज पे ट्विस्ट एंड टर्न्स, तुमको भी पढ़ना चाहिए। थैंक्स मिसेस बिलिमोरिया बट नो थैंक्स। मेरे केसेस में वैसे भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि और ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरे जीवन में आए तो मैं स्वयं ट्विस्ट एंड टर्न हो जाऊंगा। वैसे आपको ये पुस्तक हिंदी में पढ़नी चाहिए, दुगना लाभ होगा, मजा भी आएगा और आपका शब्दकोश भी सुधरेगा। मैं तो इसकी नेक्स्ट बुक के लिए वेट कर रही हूँ। सुना है नेक्स्ट मंथ उसका न्यू रिलीज होगा। अब वो बुक तभी रिलीज होंगी जब निखिल जेल से रिलीज होंगे। आपकी तारीफ। मैं तिलोत्तमा मिश्रा, निखिल मिश्रा की वाइफ। स्मॉल वर्ल्ड, अभी अभी आपके पतिदेव के बारे में ही चर्चा हो रही थी। आज सुबह ही पुलिस ने निखिल को किसी रजनी कायस के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया है। निखिल की नई नॉवेल मौत के परिंदे, उसमें अनुपमा का मर्डर बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से रजनी का मर्डर हुआ। मेरा मतलब है कि हर डिटेल, हर चीज, सब कुछ सेम टू सेम। मिसेस मिश्रा मुझे यहाँ कोई समस्या नजर नहीं आ रही। निखिल जी की पुस्तकें लाखों लोग पढ़ते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने ये पुस्तक पढ़कर उसकी नकल की हो। मैं आपकी इस बात को मान लेती अगर अगर ये किताब छपी होती, मगर ये किताब मौत के परिंदे अब तक ये छपी भी नहीं है। निखिल इस किताब को लिख रहे हैं और इस किताब के बारे में सिवाय निखिल के किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। ऐसे आखिर हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमारे रास्ते से हट ही गया। जनाब अपनी ही कहानी को हकीकत बनाने चले थे। भाई त्रिपाठी, मुझे तो लगता है कि इस बार का बेस्ट सेलर या तो तुम्हारा होगा या हमारा। सलमान भाई जरा सोचो, जरा समझो। बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। इस विवाद के चलते लोगों में निखिल की किताब पढ़ने की उत्सुकता और बढ़ेगी, और अगर किसी तरह वो इस केस से छूट पाया ना तो मान लीजिए मेरी बात, उसकी बुक के सेल्स 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ जाएंगे और इस साल के सारे अवार्ड भी उसी की झोली में। कुछ समझे आप? बात तो सही है त्रिपाठी, केड़ी पाठक आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिला है सुनकर कि निखिल का केस आप लड़ रहे हैं। थैंक गॉड आप आ गए। देखिए द बॉय इज इनोसेंट, आप प्लीज उसे बचा लीजिएगा, नहीं तो मैं
जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप कौन जी? ऐसा है कि एक तरह से उसके यहां होने का कारण मैं ही हूं। प्लीज हेल्प हिम। मिश्रा जी, ये कौन थे? शशरीश धवन मेरे पब्लिशर हैं। मेरी पहली नॉवल इन्होंने पब्लिश की थी। काफी उपकार है इनके मुझ पर। ऐसे ये बताइए मिश्रा जी, आपने अपनी नई पुस्तक किसी को पढ़ने दी थी? मैं अपने काम को लेकर काफी सीक्रेटिव रहता हूँ किनी। जब तक पहला ड्राफ्ट नहीं बन जाता मैं किसी को नहीं सुनाता। मिश्रा जी, स्पष्ट है कि कोई तो व्यक्ति है जिसने आपकी ये नई पुस्तक पढ़ी और फिर आपकी पटकथा की नकल करके रजनी कायस्थ की हत्या की। नो चांस। मेरी कहानी की एक ही कॉपी है जो मेरे लैपटॉप पर है, जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है, मेरी वाइफ के पास भी नहीं। और ये प्रिंटआउट मैंने खुद निकाले, एक ही सेट। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसने मेरी किताब पढ़ के नहीं बल्कि मेरा दिमाग पढ़ के खून किया मुझे फंसाने के लिए। रजनी को जानते थे आप? नहीं, सुना है कि वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मेरी कहानी की पात्र अनुपमा और रजनी में कोई समानता नहीं। दोनों की हत्याओं में तो है नहीं। मकसद खत्म हो चुका था, पर कातिल का खेल नहीं। उसने अनुपमा के बेजान शरीर को सीधा किया और फिर अनुपमा के मन पसंद मोगरे के फूलों की सेज बिछाई और फिर उसी फूलों से उसके शरीर को ढका और उसकी आंखों पर उसके वही दो लक्की सिक्के जो उसके बचपन के दोस्त अनुज को 20 साल पहले दिए थे और रखे। और फिर कमरे में बजा अनुपमा और अनुज के बचपन के प्यार का वो गीत साइड टेबल पर रखे हुए ग्रामोफोन से। और जिस तरह एक लिखे हुए दस्तावेज का अंत होता है हस्ताक्षर, एक स्प्रे कैन से, ब्लैक पेंट से, कातिल ने आखिरी सलामी लिखी दीवार पर, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। रोंगटे खड़े हो, कमाल लिखते हैं। आपकी के हाथों में जादू है, मतलब इतनी गहराई से लिखते हैं आप के पढ़ने वाले को तो यूं खून यूं सामने होते हुए दिखता है। फिर क्यों यूं प्रैक्टिकली फिजिकली जाकर खून करने की क्या जरूरत क्या थी है? I object, Your Honor. अब तक ये प्रमाणित तो नहीं हुआ है कि मेरे मुवक्किल ने रजनी कायस्थ की हत्या की है। हत्यास्थल पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए, कोई ऐसा सुराग भी नहीं पाया गया, योर ऑनर, जो इस बात का संकेत हो कि निखिल मिश्रा जी ने रजनी जी की हत्या की है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। साबित नहीं हुआ तो कर देंगे 10 मिनट। योर ऑनर, अब तो आप भी जान गए होंगे और मान भी लेंगे कि रजनी कायस्थ का खून हूबहू बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह से निखिल मिश्रा चाहते थे। हाँ सॉरी, जिस तरह से उन्होंने लिखा था। जी नहीं, ऐसा नहीं। स्पष्ट किए देता हूं, किताब में गुलाबी रंग के दुपट्टे का जिक्र है जबकि हत्या नीले रंग के दुपट्टे से की गई है। किताब में मोगरे के फूलों का जिक्र है जबकि यहां तो चमेली के फूल है। और किताब में दीवार पर जो लिखावट थी वो काले रंग में लिखी गई थी जबकि यहां लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जायसवाल साहब, अंतर है। आपके ऑब्जर्वेशन को मानना पड़ेगा सर। माना मैंने कि जो डिटेलिंग है उसमें कुछ अंतर है, लेकिन आप क्या मनवाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ जायसवाल साहब कि ये हत्या मिश्रा जी ने नहीं, किसी और ने की है। सारी
अगर ये हत्या मिश्रा जी ने की होती तो स्वयं इनकी लिखी हुई जानकारी ये क्यों भूल जाते? Come on, पाठक साहब, अब दुपट्टे का रंग नीला ना होके गुलाबी हो गया तो क्या हुआ? दुपट्टे का रंग बदला है, खून का रंग नहीं। और जैसे कि मिश्रा जी की किताब में जो क्या विस्तृत रूप से जो वर्णन किया गया है वो फूल, वो ग्रामफोन, वॉट एवर, खून भी उसी तरह से हुआ ना। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी और ने शायद पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, किसी और ने ये किताब पढ़ी नहीं है। आपको विश्वास नहीं होता, चलिए पूछते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सही कह रहा हूं मिश्रा जी। और एक बात बता दीजिए कि ये रजनी कायस्त के साथ आपका क्या रिश्ता था? मैं रजनी को नहीं जानता था। पक्का? Of course, पक्का। चलो, आप रजनी कायस्त को नहीं जानते थे, तब ये बताइए कि आपकी इस किताब के बारे में और कौन जानता था? जी वैसे तो कोई नहीं। नहीं, वैसे मतलब कैसे? आई मीन मेरी वाइफ तिलोत्मा जानती थी मेरे बुक के बारे में, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। इतनी डिटेल में नहीं पता था कि जिस तरह से डिटेलिंग में वर्णन किया गया था किताब में, उस डिटेलिंग से वो खून कर सके, यही कहना चाहते हैं ना? सोचिए सोचिए। अच्छा, कोई और? अरे मिश्रा जी, आप राइटर हैं, किसी की तकदीर लिखने का ये आखिरी मौका है। मेरा मतलब है अपने आप को निर्दोष ठहराने का और किसी और को दोषी ठहराने का, यह आखिरी मौका है भैया। जी नहीं, ऐसा कोई और नहीं है जो मेरी किताब को इस बारीकी से जानता। प्रश्न है मेरे मन में जसवाल साहब। मेरे लिए, इनके लिए नहीं, आप ही के लिए, क्योंकि आप ही ने अभी अभी कहा कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी को इनके पुस्तक के बारे में ज्ञान नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इन पर संदेह जाने का कारण ये था कि हत्या का वर्णन और इनकी पुस्तक में हत्या का वर्णन मेल खाते। पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने तो यह किताब पढ़ी नहीं थी। Am I right? Silence, please. मिश्रा जी, बताइए कि पुलिस को इस बारे में सूचित किसने किया था? जी हाँ, मैंने ही पुलिस को बताया था निखिल के बुक के बारे में। हाँ धवन साहब, ये तो हम जानते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि निखिल जी के कथन के अनुसार केवल ये ही जानते थे अपनी पुस्तक के बारे में, आपको इस पुस्तक की जानकारी कहां से मिली? पिछले महीने निखिल अपना लैपटॉप लेकर मेरे ऑफिस में आया था अपने प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए। खुद तो उसने अपनी किताब के बारे में कुछ नहीं बताया, बट आई वॉज क्यूरियस, इसलिए जब वो उठकर बाथरूम चला गया, मैंने उसके लैपटॉप को घुमाकर जो उसने लिखा था पढ़ लिया। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट मिस्टर धवन। एनीवे, बाथरूम जाकर लौटने को 5-10 मिनट लगते हैं। ताज्जुब है कि आपने इतने कम समय में पूरी पुस्तक पढ़ ली। नहीं नहीं, मैंने मैथ्स सिनॉप्सिस पढ़ी आपने, कहानी का संक्षेप पढ़ा, लेकिन कहानी के संक्षेप में इतनी विस्तृत जानकारी तो होती नहीं, किस रंग का दुपट्टा इत्यादि। तो जिसमें लिखा था कि नायिका की मौत स्टोरी के एंड में फूलों की सेज पर होती है, तो उसी दिन पुलिस कमिश्नर साहब एक पार्टी में मुझे मिले, उन्होंने रजनी की हत्या के बारे में बताया, फिर मैंने भी जैसा हम कैजुअली बोलते हैं ना कि निखिल के बुक के बारे में बताया, उसमें भी नायिका की मौत ऐसे ही होती है। जो आपने मुझसे बात कही थी कि आप ही के कारण
निखिल जी की ये दुर्दशा है, अब मैं उस बात का तात्पर्य समझा। क्या यही कारण था जो आपने वो बात कही थी, या कोई और भी कारण है? हाँ, यही एक वजह थी, और क्या वजह हो सकती है? यही, आप ही ने निखिल मिश्रा की बुक की कॉपी की, आप ही ने रजनी कायस का खून किया ताकि निखिल मिश्रा फंस जाए। करें पटक सर, क्या बात है जसवा साहब, आई एम इंप्रेस्ड। सही कहते हैं, संगत का असर होता है। देखिए ना, मेरे साथ रह रहकर आप भी उचित मुद्दा उठाने लगे, तो बताइए धवन साहब, क्या ऐसा हुआ था कि आपने मिश्रा जी की किताब पढ़ी और उससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर यह हत्या की और इन्हें फंसाया? मैं निखिल को क्यों फंसाऊंगा? अरे वो तो मेरे बेटे जैसा है, शुरू से मैंने कितनी हेल्प की है उसे। जी हाँ धवन सर, मेरा नुकसान क्यों चाहिए, इसे तो उन्हें नुकसान होगा। करेक्ट, सही बयान दिया। अब मिश्रा जी, एक छोटा सा सही बयान और दे ही दीजिए कि आप ही ने रजनी कायस को। मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता था। मैं भूल जाता हूँ आप रजनी को, कभी कोई पार्टी वगैरह में मिले तो फिर हो सकता है कहीं कभी किसी बुक लॉन्च पे कुछ ऐसा। आप फिर से वही बात कर रहे हैं। I object your honor, prosecution is coercing the witness, जयसवाल साहब मेरे मुवक्किल पर दबाव डाल रहे हैं। Objection sustained. Your honor, आजकल के दौर में चलचित्र के निर्गमन से पहले ही, उसके रिलीज से पहले ही, उसकी चोरी की हुई पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर आ जाती है। हो सकता है ऐसा कुछ मिश्रा जी की पुस्तक के साथ भी हुआ हो। प्रकाशन से पहले ही किसी ने इनकी पुस्तक चुराई हो, उससे प्रेरित हुआ हो और उसकी नकल करके ये हत्या की हो और इन्हें फंसाया हो। सवाल, पाठक साहब सिर्फ सवाल उठा रहे हैं जो कोई भी उठा सकता है। और ऑनर, कब, क्यों, कहां, कैसे, अदालत में तो ये सब चलते रहता है, लेकिन जवाब, जब तक सवाल का जवाब ना हो तब तक सवाल में दम नहीं होता है। मैं सवाल पूछने के साथ साथ जयसवाल साहब किसी को अपनी कुर्सी से उठाकर यहां तक लाना चाह रहा था ताकि वो यहां आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। योर ऑनर, मैं मिस्टर गुलशन त्रिपाठी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिस्टर गुलशन त्रिपाठी, आप भी एक लेखक हैं, मिश्रा जी की तरह अनेक रोमांच से भरे मर्डर मिस्ट्रीज लिखे हैं आपने, क्या यह सत्य है? जी। तो एक प्रकार से तो आप मिश्रा जी के प्रतिद्वंद्वी हुए। जी। क्या बात है, आप इतना डर क्यों रहे, पानी पियेंगे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल ये इन्होंने इनकी नॉवेल में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या ना कि हम लोग हमारे काम कभी शेयर नहीं करते। गुलशन त्रिपाठी @zingmail.com आप ही का ईमेल आईडी? तो आप अपना ईमेल चेक करते हैं रोजाना या हर दूसरे दिन? जी, दूसरे दिन। कुछ समय पहले एक ईमेल भेजा आ गया था। ये जो है त्रिपाठी साहब, ये मिश्रा जी के लैपटॉप से निकाली गई इनके ईमेल आईडी की सेंट बॉक्स की, उसका प्रिंट आउट है, यहाँ देखिए। gulshantripathi@zingmail.com, इसके साथ में एक अटैचमेंट भी है, मौत के परिंदे अंतिम अध्याय, द फाइनल चैप्टर। मैंने गुलशन को कभी अपनी किताब या उसका कोई भी हिस्सा कभी भी मेल नहीं किया। मैं जानता हूं कि आपने नहीं भेजा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब त्रिपाठी साहब ही हमको बताए कि ये ईमेल अंततः आपको भेजा किसने? किसने? मना किया था तुम्हें, मत करना ये सब, मेरी बात माने नहीं। देखो सब ये ना, मुझे तिलोत्मा, मैंने ही गुलशन को निखिल की किताब का आखिरी चैप्टर मेल किया था। मिश्रा जी, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी? जी नहीं, हाँ, तिलोत्मा और गुलशन की दोस्ती के बारे में जानता था, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे पूछे बगैर मेरे सबसे बड़े राइवल को तुमने मेरी किताब क्यों भेजी? तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए। जज साहब, पिछले कई दिनों से निखिल अपनी किताब की आखिरी अध्याय को लेकर बहुत परेशान था। वो अपने आखिरी अध्याय में
बुरी तरह से अटक गया था, जिसकी वजह से निखिल का मूड हमेशा ऑफ रहता था। और तो और, इन सब की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। बस मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, मुझसे निखिल की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए ये मैंने मदद के लिए ईशान को फोन किया। क्या मुझे निखिल की नई बुक का ड्राफ्ट मेल करना चाहती हो? मगर क्यों? ताकि तुम वो आखिरी चैप्टर पढ़कर निखिल की मदद कर सको, उसे कोई सलाह दे सको, जिससे वो अपनी बुक पूरी कर सके। गुलशन, मैं जानती हूँ कि निखिल की तरह तुम भी एक एक्सपर्ट मिस्ट्री राइटर हो। वो मेरी सलाह क्यों लेगा? तुम जानती हो ना, वो तो मुझसे चिढ़ता है। देखो गुलशन, तुम अपनी राय, अपनी सलाह मुझे बता देना और मैं निखिल को और उसे उसे बताने चलेगा कि मैं तुमसे मदद ली है। जज साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर में शांति चाहती थी। निखिल, मेरा यकीन मानो, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं था, नहीं था मेरा कोई बुरा मकसद। मैं क्षमा मांगने का समय मिलेगा आपको। योर ऑनर, रजनी कायस्थ हत्याकांड में पुलिस का निखिल मिश्रा जी पर संदेह जाने का एक ही कारण है कि इनकी पुस्तक में हत्या का विवरण और असल हत्या का विवरण मेल खाता है। अब तक अदालत के समक्ष ये बात थी कि मिश्रा जी के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भी इस विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब अदालत में यह स्पष्ट हो चुका है कि तीन और व्यक्ति इस पुस्तक के बारे में जानते थे। सर्वप्रथम इनके प्रकाशक श्री शिरीष धवन, द्वितीय इनकी धर्मपत्नी श्रीमती तिलोत्तमा मिश्रा और तीसरे इनकी पत्नी के घनिष्ठ मित्र श्री गुलशन त्रिपाठी जी। इसके चलते योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर संदेह 75% कम हो जाता है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरे होनहार मित्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जी नहीं, आपने कहा और मैंने माना, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि क्या है, मिस्टर त्रिपाठी, मिसेज मिश्रा और श्री धवन जी, इन्होंने भले ही किताब पढ़ी हो लेकिन ये तीनों में से कोई भी रजनी कायस्थ को जानता नहीं था, और जब जानता नहीं था तो वो रजनी कायस्थ के मौत का अध्याय क्यों लिखेगा? जायसवाल साहब, संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने भी अपने कथन में कहा कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। एक मिनट, आप अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूँ। मिश्रा जी, जैसे कि अभी पाठक साहब ने बताया कि मैं भूल रहा हूँ, आपने जो वो स्टेटमेंट दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भूल रहे हैं कि आपका रजनी कायस्थ के साथ कोई रिश्ता था, कहीं ऐसा? अगेन, मैंने आपसे कहा ना, मैं रजनी को नहीं जानता। रजनी और मेरा क्या ताल्लुक? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, रजनी से आपका क्या ताल्लुक? आप फिर से? नहीं नहीं, जस्ट ट्राइंग टू बी श्योर, दैट्स इट। मतलब रजनी को आप नहीं जानते, कभी किसी भी तरह से कोई मुलाकात हुई नहीं है, जान पहचान, मतलब कोई फेसबुक या ट्विटर या कुछ कुछ? ओ बाबा, गुस्सा, डर गया। चलो ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ पाठक साहब, कि वो रजनी कायस्थ को नहीं जानते थे। शायद रजनी कायस्थ आपको बहुत अच्छी तरह से जानती थी मिश्रा जी, नहीं? योर ऑनर। अरे क्या हुआ, घबरा गए, पसीने छूट रहे हैं? कमाल तुम। नहीं नहीं, देखो
एक ऑप्शन ये भी है, जैसे आपके नॉवेल्स में होता है कि ये आप है ही नहीं, आपका जुड़वा भाई या तो फिर आपका हम शक्ल है, ऐसा कुछ। आई लव दिस पार्ट। गहरी खामोशी, योर ऑनर, साइलेंस स्पीक्स 1000 words। ये खामोशी ये साबित करती है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, है ना पाठक साहब? योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रजनी कायस्थ के बड़े भाई अविनाश कायस्थ। मेरा नाम अविनाश है सर। रजनी मेरी बहन थी, उसकी मौत से एक हफ्ता पहले वो मेरे पास आई थी और उसने। रजनी क्या बात, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं भैया। भाई हूँ तुम्हारा, बोलो क्या बात। भैया वो कोई है जिससे मैं प्यार करती थी। 6 महीने से हमारा अफेयर था लेकिन अब नहीं है। मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ लेकिन वो मान नहीं रहा, धमका रहा है मुझे, इमोशनल ब्लैकमेल। कौन है वो? एक राइटर है। नाम तो होगा ना उसका? फॉरगेट भैया, मैं उसे भूल चुकी हूँ। शादीशुदा आदमी है, उसके प्यार में पड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं बात करूँ उससे? नहीं नहीं भैया, फॉरगेट, मैं हैंडल कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे पता होता कि तुम ही निखिल मिश्रा हो, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता। और जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हाँ विनाश जी, अफसोस देर तो हो चुकी थी लेकिन अब आयम जायसवाल अंधेर नहीं होने देगा इस अदालत में। मिश्रा जी, कम ऑन, बोलिए ना, लेट अस नो द फैक्ट, बता दीजिए ना, बताइए सच क्या है, बता दीजिए अदालत को क्या आप रजनी कायस्थ को जानते थे और आपने रजनी कायस्थ का खून किया है। टेलस जी, मैं रजनी को एक बुक कॉन्फ्रेंस में मिला था। 6 महीनों से हमारा अफेयर चल रहा था। तिलोत्मा या किसी और को इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना ही सच, मैंने उसे नहीं मारा। I haven't killed her. Leave it to me to prove it whether you killed her or not. मैं बताऊंगा कि आपने रजनी कायस्थ को क्यों मारा। क्योंकि वो आपको छोड़ना चाहती थी, आप उसे धमका रहे थे लेकिन धमकी का कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरी रास्ता खून। The fiction became the fact. मेरी हो और मेरी रहोगी। रॉनर, इसी के साथ किस्से और कहानी का दी एंड। I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर मैं और क्या करता, मैं कैसे सबको बता देता कि मेरा रजनी के साथ अफेयर था। ये बात तिलोत्मा को पता चल जाती, पुलिस को, सारी दुनिया को पता चल जाती, इससे मेरा केस तो खराब होता ही लेकिन साथ ही साथ मेरी इमेज भी खराब हो जाती। इमेज?
आपको इमेज की पड़ी है, यहां आपका जीवन दांव पर लगा हुआ है, उसका कुछ नहीं। अब इसके बाद तो प्रोसिक्यूशन को छोड़िए, मुझे संदेह हो रहा है कि रजनी की हत्या आपने की है, किसी और को नहीं, मुझे तो बताना चाहिए था। केडी, I'm really sorry. अच्छा, एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। बताइए क्या है? ये है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी कहानी किसी के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन अपनी अधूरी नॉवल की कॉपी मैंने रजनी को दी थी। सुपर्ब, कमाल करते हैं आप मिश्रा जी। एक तो इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, और फिर आपने अपने उपन्यास की कॉपी रजनी को दी, ये बात भी नहीं बताया, अब बता रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी, और मैंने उसे वादा किया था कि अपनी नॉवल मौत के परिंदे की पहली कॉपी उसे ही दूंगा। कॉपी लौटाई थी उसने पढ़ने के बाद? नहीं, उसने कॉपी वापस तो नहीं दी, और अब वो कॉपी कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि किसी ने उस कॉपी को पढ़ के रजनी की जान ली हो उसी अंदाज में। हाँ, संभव तो ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कैसे पता लगा है कि रजनी के अतिरिक्त और किसने ये नॉवल पढ़ी? सिर्फ रजनी बता सकती थी, और दुर्भाग्यवश अब वो रही नहीं। खेड़ी, प्लीज मुझे सिचुएशन से निकाल दो। आई प्रॉमिस, मैंने रजनी को नहीं मारा है, और देखो मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, अपनी बीवी को धोखा दिया, एक बार मैं बच गया तो मैं तिलोत्तमा से उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। प्लीज हेल्प मी। और कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे नहीं बताई? और फिर मानो कि मंजुला इस दुनिया से अचानक गायब हो गई, ना उसकी कोई खबर, ना कोई निशान। फिर 8 दिन बाद जब वो ऑफिस नहीं आई, ना उसने अपना फोन उठाया, ना घर का दरवाजा खोला, उसकी बहन शामली को शक, और उसने पुलिस को फोन किया और वहां पहुंची। सर, 2 हफ्तों से हम दिल्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दीदी ना कोई फोन उठा रही है और ना कोई रिप्लाई कर रही है, और यहाँ आके देखा कि दरवाजा लॉक है। हम देखते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसी, एक घर जो खामोश गवाह की तरह एक घिनौना राज छिपाए हुए था। फ्रिज खोलते ही उसमें मिली 2 हफ्तों से जमी शामली की लाश। एक डोर से ऐसे बंधी हुई जैसे वो एक तोहफा, आंखों पर चढ़े सनग्लास, बालों में मुरझाए फूल, बदन पर फैले हुए जहर का नील। दीदी के फोटो मिले हैं। निखिल मिश्रा, उसकी एक और प्रेम कहानी, उन्नीस जून से लाश इस फ्रिज में है। इसके 1 दिन बाद रजनी कायस्थ का खून हुआ था, 20 जून को। निखिल मिश्रा आजाद था, एक और कत्ल, बैड न्यूज फॉर केडी पाठक। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।